ये अव्यक्त इशारे प्रतिज्ञा द्वारा अपने संपूर्ण रूप से परमात्म प्रत्यक्षता की निमित्त बनो। नंबर 16, जैसे वाणी द्वारा प्रत्यक्षता करते हो तो वाणी का प्रभाव पड़ता है, उससे भी ज्यादा प्रभाव गुण और कर्म का पड़ता है। तो आप हर बच्चे के नैनों से यह अनुभव हो कि इनों के नैनों में कोई विशेषता है, साधारण नहीं, अनुभव करें, अलौकिक है। उनों के मन में क्वेश्चन उठे कि कैसे बने, कहां से बने, स्वयं ही सोचो और पूछे कि आपको ऐसा बनाने वाला कौन। तो अपनी स्थिति द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो।